Lovely, good morning, students. Welcome to LP Savani Riverside School. Students, as we know, there are certain changes in our syllabus. So, today we are going with a new fresh start. Myself, Sneha Sukhwani, your EVS teacher. Today we are going to start with our first chapter that is going to school. Let us meet some children and see how they read. स्कूल सो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या देखेंगे हम इसमें अलग अलग बच्चे देखेंगे जो किस तरह से स्कूल जाते हैं राइट इट रें सो मच वेर वी लिव समाइम्स आफ्टर द रेन देर इज नी हाई वॉटर एवरीवेयर बट दैट डज नॉट स्टॉपअ फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल देखो ये जो ग्रीन बॉक्स है उसमें कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे वहाँ वो लोग जहाँ रहते हैं उनके वहाँ इतनी बारिश होती है कि उनके नी तक पानी आता है राइट बट फिर भी वो स्कूल जाना स्टॉप नहीं करते राइट वी होल्ड अवर बुक्स इन इन वन हैंड एंड बम्बू विद द अदर

we will work on them afterwards okay students now we will see next what happens now there is next group of students who are telling how they go to their school the next is the trolley every day we have to cross the river to get to school the river is wide and deep there is a strong iron rope across the river सो so स्टूडेंट्स अभी ये बच्चे क्या बोलते हैं कि वो लोग स्कूल कैसे जाते हैं उनको जब स्कूल जाना होता है तो रिवर वो उनको रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता है राइट रिवर बहुत वाइड और बहुत डीप है राइट उसमें क्या है देर इज अ स्ट्रांग आयरन रोप वहाँ पे जो रिवर को क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रांग आयन रोप लगी हुई है राइट ऑन बोथ द साइड इट इज टाइट टाइटली विथ स्ट्रॉ ट्रीज और रॉक्स वो दोनों साइड रिवर के दोनों साइड पे टाइक हुए टाइटली विदेल ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स देर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुल देखो इमेज में दिखाई दे रहा है कि वो बॉक्स कैसे बना हुआ है वो वुड का बॉक्स है राइट जिसे ट्रॉली कहते हैं इट इज अटैच विद द रोप वो किस से अटैच है वो रोप से अटैच है राइट फोर और फाइव इयर्स सिट इन द ट्रॉली वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हम चार व्यापार बच्चे उस ट्रॉली में बैठते हैं पुले हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन शॉर्ट टाइम सो so स्टूडेंट्स वो चार पांच बच्चे उसमें बैठते हैं और वो कोई उन्हें पुश करता है और वो पुश करने के बाद वो दूसरी साइड पहुंच जाते हैं इस तरह वो अपने स्कूल पहुंचते हैं राइट सी स्टूडेंट्स ये कितना जाना डेंजरस है क्योंकि रिवर बहुत वाइड और डीप है और वो बहुत ऊपर होते हैं रोपे ट्रॉली में बैठे हुए राइट इट इज़ सो रिस्की फिर भी वो स्कूल जाना नहीं छोड़ते हैं राइट first we saw the rope bridge now the trolley next we have cement bridge right we often need to go cross some water bodies so we use bridges these are made of cement bricks and iron rods the bridge may also have steps यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो लोग कैसे जाते हैं स्कूल उनको स्कूल जाने के टाइम पे सम सम ब्रिज क्रॉस करनी पड़ती है कैसी ब्रिज सीमेंट की बनी हुई राइट दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स किसकी बनी हुई है सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स एंड दीज ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स मतलब उन इस ब्रिज को क्या होता है स्टेप्स मीन्स सीढ़िया राइट

कुछ बच्चे रोप ब्रिज से जाते हैं कुछ ट्रॉली यूज करके जाते हैं कुछ सीमेंट ब्रिज से जाते हैं और ये बच्चे हैं ये रोज बोट में बैठ के स्कूल जाते हैं राइट नाउ वी विल सी कैमल कार्ट राइट वी लिव इन द डेजर्ट देर इज सैंड ऑल अराउंड इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे वी राइड इन अ कैमल काट टू रीच स्कूल सी वहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये राजस्थान के बच्चे है राइट वो क्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे चारों तरफ क्या होता है सेंड होती है राइट एंड वहाँ पे बहुत हॉट होता है टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम सो दे यूज कैमल काट टू रीच देसूल हाउ दे गोड हाउ दे

गोइंग टू गोइंग स्कूल स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स मतलब जो ग्रीन फील्ड होते हैं जो जहाँ पे ग्रास होती है उस एरिया से ये लोग जाते हैं जब वहाँ पर बहुत धूप या बारिश होती है तो वो अपनी अम्ब्रेलाज यूज करते हैं राइट स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वाइट बॉक्स देर इज एन एक्टिविटी सेशन दिस वी विल सी फर्दर राइट नाउ वी विल प्रोसीड To the other way with the help of which students go to their school. The next way that students go to the school is bicycle ride. We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far, but now, groups of seven to eight girls. इजी रि इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स सो स्टूडेंट्स ये बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल दे राइड द बाइसिकल्स एंड दे गो टू स्कूल पहले वहां पर गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी बट क्योंकि वो स्कूल बहुत दूर था बट अभी ग्रुप ऑफ सेवन टू एट गर्ल्स दे गो टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ बाइसिकल राइट स्टूडेंट्स ना Next, we will see which way students use to go to their school. Up till we now saw road bridge, then trolleys, then wallam bullock carts, bicycle ride, right? Students use these ways to go to their school. Students, for today, this much only. Further, we will continue in next session.